हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हमारा आज का सेशन अगेन प्रैक्टिस सेट पे है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो फर्स्ट और सेकंड हम प्रैक्टिस सेट अपलोड किए उस पर क्वेश्चन था कि मैम ये जो बेसिक लेवल के अकाउंट्स के क्वेश्चंस हैं ये तो हमारे कोर्स में नहीं है जैसे सी में आप देखो बट सी में भी ना बहुत बार सेम लेवल पे क्वेश्चंस पूछता है तो भले ही सिलेबस का वो पार्ट नहीं है बट क्योंकि ये बेसिक लेवल के क्वेश्चंस है रिलेटेड टू तो अकाउंट्स वो एग्ज़ाम में कवर करते हैं हमने एक और बात भी बताई है कि हमने 2022 में जितने भी प्रैक्टिस सेट्स सैम्पल पेपर मॉडल पेपर अपलोड किए रिलेटेड टू एम कॉम एंट्रेंस एग्जाम सब इक्वली आपके लिए रेलिवेंट है और हमने प्रैक्टिस सेट के नाम से ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है आज हमारा थर्ड प्रैक्टिस सेट है तो चलो जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है मार्केट इन विश ट्रांजेक्शन आर डन थ्रू कंप्यूटर्स एंड टेलीफोन विदाउट एनी स्पेसिफिक लोकेशन बिना किसी स्पेसिफिक लोकेशन के ठीक है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स एंड टेलीफोन अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं पास्ट काउंटर मार्केट फ्यूचर काउंटर मार्केट ओवर द काउंटर मार्केट और कैपिटल काउंटर मार्केट ऐसे मार्केट को हम कहते हैं ओवर द काउंटर मार्केट जहाँ पे हमारे पास कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं होता सिर्फ कंप्यूटर एंड टेलीफोन के थ्रू ठीक है इन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ट्रांजेक्शन करते हो रिलैक्सिंग द रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स इम्पोस्ड ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री इस प्रोसेस को नो डाउट हम क्या कहते हैं लिबरलाइजेशन तो करेक्ट आंसर होगा ए नेक्स्ट द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज आर ट्रेड एंड कॉमर्स ट्रेड इन इंडस्ट्री इंडस्ट्री एंड कॉमर्स करेक्ट आंसर होगा सी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग बिजनेस रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट करेक्ट लॉस इज अ रिवॉर्ड ऑफ रिस्क बियरिंग नो अगर आप रिस्क लोगे तो प्रॉफिट होगा जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट बिजनेस रिस्क आर ड्यू टू अनसर्टेनिटीज येस रिस्क इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एवरी बिजनेस येस डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मिली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस येस अगर इनकरेक्ट की बात करें तो फर्स्ट ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि लॉस रिवॉर्ड नहीं होता प्रॉफिट रिवॉर्ड होता है कॉमर्स इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू ट्रेड एंड डैश टू ट्रेड ट्रेड एंड टू ट्रेड दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी नेक्स्ट मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द एजेंसी ऑफ अ कम्युनिटी एंड ये डेफिनेशन किसकी है सर चार्ल्स रेनोल्ड हेनरी फ्योल लॉरेंस ए एप्ले करेक्ट आंसर होगा डी नन ऑफ देम क्योंकि इनमें से किसी ने भी ये डेफिनेशन नहीं दिए तो ये डेफिनेशन किसने दी है फिर ये डेफिनेशन दी थी पीटर ड्रकर ने और ये नाम आप लोग याद कर लेना नेक्स्ट द फर्स्ट वुमेन अथॉरिटी ऑफ मैनेजमेंट फर्स्ट वुमेन अथॉरिटी किसको मिली थी लीलियन गिलबर्ट को करेक्ट आंसर होगा बी द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज नो डाउट अगर हम लोग मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कुछ चीजें इसमें कॉमन भी है बट कुछ चीजें डिफरेंट भी होती है इसलिए करेक्ट आंसर होगा पार्टली सेम पार्टली डिफरेंट करेक्ट आंसर होगा सी नेक्स्ट सीपीएम इसका फुल फॉर्म क्या है सीपीएम का फुल फॉर्म है क्रिटिकल पाथ मेथड दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी नेक्स्ट स्टाफिंग फंक्शन डील्स विथ अब स्टाफिंग फंक्शन किससे डील करता है मशीन से नो रॉ मटेरियल से नो no. स्टाफिंग मतलब क्या है इंप्लॉइज की बात करें ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं तो करेक्ट आंसर होगा सी मैन नेक्स्ट इन मैनेजमेंट प्रैक्टिस द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स फॉर होम अ मैनेजर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल कह रहा है बहुत सारे सबॉर्डिनेट्स हैं और उनके लिए एक पर्टिकुलर मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है तो उसको हम क्या कहते हैं कम्युनिकेशन कॉर्डिनेशन लीडरशिप और स्पैन ऑफ कंट्रोल करेक्ट आंसर होगा डी स्पैन ऑफ कंट्रोल इन स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एच आर स्ट्रेटेजीज आर जर्नली अलाइंड विथ एच आर स्ट्रैटेजीज जर्नली किस से अलाइन होती है बिजनेस स्ट्रैटेजी फाइनेंस स्ट्रैटेजी मार्केटिंग स्ट्रेटजी और इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी बेसिकली एच आर स्ट्रैटेजीज अलाइंट होती हैं रिलेटेड होती हैं बिजनेस स्ट्रैटेजी से तो करेक्ट आंसर होगा ए बिजनेस स्ट्रैटेजी अच्छा ये प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस करें बट इसके साथ साथ हम ये बता दें कि हमने ऑलरेडी एम कॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं जहाँ हम लोग सारे कॉन्सेप्ट क्लास भी डिस्कस करेंगे सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट की आपको क्लैरिटी मिल जाएगी आफ्टर दैट बहुत सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी हम लोग कराएंगे एंड टेस्ट सीरीज भी साथ ही साथ चलेगी सब्जेक्ट वाइज यूनिवर्सिटी वाइज एंड चैप्टर वाइज तो आपकी पूरी प्रेपरेशन वहाँ से हो जाएगी अभी जैसे हम एम डिस्कस कर रहे हैं तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो बहुत ही ईजीली आप सारे एम का आंसर कर पाओगे अगर कोई भी स्टूडेंट क्लास के लिए इंटरेस्टेड है तो वो हमें व्हाट्सएप कर सकता है या हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकता है दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है नेक्स्ट विच ऑर द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सनल बेनिफिट इसमें से पर्सनल बेनिफिट कौन सा नहीं है सिक लीव फ्लेक्स बेनिफिट सेल्स बोनस डेंटल प्लान ये तीन तो है बट सिक लीव नहीं है तो करेक्ट आंसर होगा ए सिक लीव नेक्स्ट विच ऑर द फॉलोइंग इज अ परसेंटेज ऑन द वॉल ऑफ सेल नो डाउट अगर हम वॉल्यूम ऑफ सेल की बात करें सेल्स वॉल्यूम की तो उसपे जो परसेंटेज मिलता है उसको हम कहते हैं कमीशन नेक्स्ट वट इज अ फुल फॉर्म ऑफ सी आर एम सी आर एम का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो कि ऑप्शन ए में दिया है तो करेक्ट आंसर होगा ए नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्केटिंग एडवांटेज ऑफ अ स्ट्रांग ब्रांड जर्नल लॉयलिटी लार्जर मार्जिन ग्रेटर फाइनेंशियल मार्केट रिटर्न ये सब आपको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर ब्रांड है तो नो no डाउट लोगों को ब्रांड के नाम से ही इतनी श्योरिटी होती है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो आपको मार्जिन भी ज़्यादा मिलेगी मतलब प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा और लॉयल्टी भी रहेगी कि लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे तो करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द बफ फर्स्ट स्टेप टू कॉस्ट बेस्ड प्राइजिंग स्ट्रैटेजी इज टू डिजाइन अ प्रोडक्ट डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सेट प्राइज बेस्ड ऑन कॉस्ट कन्विंस बायर अबाउट प्रोडक्ट्स वैल्यू जो सबसे पहला स्टेप होता है कॉस्ट बेस प्राइजिंग स्ट्रेटेजी का वो ये होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं तो करेक्ट आंसर बट ऑब्वियस क्या होगा ए नेक्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लोजली रिलेट्स टू अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट किससे रिलेटेड होता है असेट uh, साइड से लाइबिलिटी साइड से दोनों ही साइड से फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं ना फाइनेंस को मैनेज करने की बात कर करें तो इसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि हम लोग कहाँ पैसा इन्वेस्ट करेंगे और ये भी देखते हैं कि पैसा कहाँ से रेस करेंगे ठीक है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों ही साइड ऑफ बैलेंस शीट को कंसिडर करता है तो करेक्ट आंसर होगा सी नेक्स्ट अ कंपनी पर गुड्स बट डज नॉट पे सप्लायर इमीजिएटली एंड रिकॉर्ड द मैस मतलब आपने गुड्स तो परचेज किया पर अभी तक आपने उनको पे नहीं किया तो आपने क्रेडिटर रेज किया है दैट इज अकाउंट पेबल इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट इन बैलेंस शीट सम ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स एंड कॉमन स्टॉक्स इसको हम क्या कहते हैं कॉमन इक्विटी ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था नेक्स्ट Albert invested an amount of 8,000 in a fixed deposit for two years at compound interest of 5% per annum. How much Albert will get on the maturity of fixed deposit? हमने simple interest and compound interest पे already class upload की हुई है. तो अगर वो classes अभी तक आपने नहीं cover किए तो मेरा ये suggestion होगा कि वो class अब ज़रूर से cover कर लेना. क्योंकि ये इन दोनों class में आपके सारे concepts clear हो जाएंगे related to simple interest and compound interest. एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे कह रहा है हाउ मच एल्बर्ट विल गेट ऑन द मचोरिटी ऑफ फिक्स डिपॉजिट अब फिक्स डिपॉजिट पर उसको कितना मिलेगा सिंपली एट थाउजेंड हमारी अमाउंट है वन प्लस फाइव परसेंट टू दी पावर टू या हमने सीधे सीधे फार्मूला अप्लाई किया है और इस फार्मूले पे पहले आप इसको सॉल्व कर लेना फिर उसको एट थाउजेंड से मल्टीप्लाई करना तो आंसर आएगा डी एट एट टू ज़ीरो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू कट कर देना इसमें मिस प्रिंटिंग है नेक्स्ट

क्या कह रहा है कि ट्वेंटी परसेंट सोल्यूशन है एंड हमसे क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ प्योर एसिडा देअर एट पॉइंट फाइव लीटर्स में अगर ट्वेंटी परसेंट सोल्यूशन है तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा हम इसका ट्वेंटी परसेंट कैलकुलेट करेंगे या आएगा वन पॉइंट सेवन लीटर तो करेक्ट आंसर होगा सी नेक्स्ट इफ पी एन क्यू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेजन दिस देन अब ये जो मेरे पास इक्वेजन दिया एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इट इक्वल टू जीरो बेसिकली क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो ए कितना हो गया वन बी क्या हो गया पी और सी क्या हो गया क्यू अब क्योंकि हमसे कह रहा है कि दो रूट क्या है पी प्लस क्यू है पी एंड क्यू है ना तो रूट्स क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए माइनस बी मतलब हो जाएगा माइनस पी डिवाइडेड बाई ए मतलब वन तो ये हो गया पी प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस पी और हम कह सकते हैं टू पी इज इक्वल टू माइनस क्यू क्लियर वैसे अगर हम प्रोडक्ट की बात करें पी क्यू तो ये हो जाएगा हमारा सी बाई ए सी मतलब क्या है क्यू डिवाइडेड बाई ए वन तो ये हो जाएगा पी क्यू इज़ इक्वल टू क्यू और पी इज इक्वल टू वन अब हमसे क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने बोला था पी एंड क्यू तो पी मेरे पास वन आ गया और सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन uh, है जिसमें पी की वैल्यू वन दिया है अच्छा पी जो वन दिया है अगर वो हम फर्स्ट इक्वेशन में रख दें तो ये हो जाएगा टू इज इक्वल टू माइनस क्यू और क्यू इज इक्वल टू माइनस टू देख लो आ गया आंसर तो करेक्ट आंसर होगा देख लो आंसर आ गया तो करेक्ट आंसर होगा ए नेक्स्ट इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ए पी द पी एट टर्म इज माइनस क्यू द पी प्लस क्यू एट टर्म इज जीरो देन द क्यू टर्म इज अब इसका आंसर थोड़ा लेंदी जाएगा तो इसका आंसर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा डिटेल में वहाँ से डाउनलोड कर लेना और इसका आंसर आएगा ए माइनस पी नेक्स्ट इफ एक्स टू वाई थ्री जेड आर इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो द डिस्टिंग नंबर एक्स वाई जेड आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो कॉमन रेशियो क्या होगा इसका आंसर आप लोग हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना एंड नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में दैट इज प्रैक्टिस सेट फोर में हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अ अस्टैटिस्टिकल मेजर विच केन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली जिसको आप ग्राफिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते वो क्या है मीडियन मोड हारमोनिक मीन या अर्थमैटिक मीन हारमोनिक मीन बाकी सबको हम ईजली ग्राफिक्स ग्राफ से डिटरमाइन कर सकते हैं जैसे मीडियन है तो ओगिफ से कर सकते हैं मोड है तो हिस्टोग्राम से कर सकते हैं नेक्स्ट अ ग्रुप ऑफ टेन आइटम्स हैज़ एन अर्थमैटिक मीन ऑफ सिक्स इफ़ द अर्थमैटिक मीन ऑफ फोर ऑफ दीज आइटम सेवन पॉइंट फाइव दैन द मीन ऑफ रिमेनिंग आइटम सिंपली आज पर हमसे कम्बाइंड मीन की बात कर रहा है और कम्बाइंड मीन का फार्मूला क्या है मेरे पास कंबाइंड मीन की वैल्यू दी है सिक्स इज इक्वल टू पहले जो चार आइटम्स हैं उनका मीन दिया हुआ है सेवन पॉइंट फाइव प्लस बाकी सिक्स का नहीं दिया हुआ है तो उसको एक्स ले लेंगे डिवाइडेड बाई टेन सॉल्व करके देख लो आंसर कितना आ रहा है थर्टी प्लस सिक्स एक्स और थर्टी इज इक्वल टू सिक्स एक्स और एक्स की वैल्यू आएगी फाइव तो करेक्ट आंसर होगा डी फाइव नेक्स्ट वेरियंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ हमने बताया भी है कि अगर हम वेरियंस की बात करें तो पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे जो कि मेजर ऑफ डिस्पर्ज है एंड मेजर ऑफ डिस्पोर्जन क्योंकि ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता सिर्फ स्केल से अफेक्ट होता है बट स्केल की साइंस इफेक्ट नहीं होता तो, तो अगर वो ओरिजिन से अफेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज तो वेरियंस भी चेंज नहीं होगा ये दोनों किससे अफेक्ट होते हैं सिर्फ स्केल से तो करेक्ट आंसर होगा ए वे जो फॉलोइंग मेजर इज वन ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी अब सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें तो मीन मीडियन मोड की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा ए मोड मीन डेविएशन स्टैंडर्ड स्टैंडशन ये बेसिकली क्या है ये है मेजर ऑफ नेक्स्ट इंडेक्स नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ रेशियो स्क्वायर्स परसेंटेज कॉम्बिनेशन ऑफ द बफ करेक्ट आंसर होगा सी परसेंटेज हमारा सेकेंड चैनल है सी ए काजल डेरोलिया जो कि बेसिकली सिर्फ स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड चैनल है जहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड बहुत सारे एम सी क्यूज एंड कॉन्सेप्ट क्लास मिल जाएगी तो अगर अभी तक उस चैनल से आप नहीं जुड़े हो तो हमारा ये सजेशन है कि वो चैनल से आप जुड़ जाओ वहाँ आपको classes, सारे क्लासेस सारे टॉपिक्स डिटेल में मिलेंगे और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है द मोस्ट सुटेबल एवरेज इन चेन बेस्ड मेथड चेन बेस्ड मेथड के लिए सबसे सूटेबल है ज्योमेट्रिक मीन नेक्स्ट इफ़ द मीन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्स वन एक्स टू एल एक्स एन इज एक्स देन द मीन ऑफ द ऑब्जरवेशन एक्स आई प्लस टू आई इज अब यहाँ पर हम सीधे सीधे क्या करेंगे मीन की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और जैसे ही मीन की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि जो ओल्ड मीन है उसमें कितना ऐड हो जाएगा एन प्लस वन ऐड हो जाएगा इसकी वजह से तो करेक्ट आंसर होगा सी इस क्वेश्चन के डिटेल सोल्यूशन के लिए अगेन आप लोग टेलीग्राम चैनल रेफर कर सकते हो बट यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया है मीन की प्रॉपर्टी अप्लाई की है तो ओल्ड मीन अगर हमारे पास एक्स था तो सिंपली क्या हो जाएगा एन प्लस वन अब ये न्यू मीन हो जाएगा नेक्स्ट द को रिलेशन बिटवीन एक्स एंड ए माइनस एक्स इज को रिलेशन हमेशा क्या होगा चाहे प्लस वन होगा चाहे माइनस वन होगा चाहे जीरो होगा अब क्योंकि एक्स है और दूसरा है ए माइनस एक्स तो यहाँ माइनस की बात गई करेक्ट आंसर हो जाएगा माइनस वन एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ इन डिफरेंस कर्व यूटिलिटी क्या होगी अगर अलग अलग पॉइंट है तब भी तो हमारा यूटिलिटी सैटिस्फैक्शन लेवल तो सेम ही होगा ना नेक्स्ट फॉर इन्फीरियर गुड्स डिमांड कर्व अब इन्फीरियर गुड्स के लिए देखो डिमांड कर्व कैसे होता है इन्फीरियर uh, गुड्स के लिए डिमांड कर्व स्ट्रेट होगा अपवर्ड होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्योंकि इस केस में क्या होता है ना कि जैसे जैसे प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है इनफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ती है क्यों यहाँ इनकम से नहीं पूछा था क्वेश्चन साइलेंट है तो हम प्राइस से मानेंगे आप प्राइस के केस में जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी इन्फीरियर गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी क्योंकि हमें लगता है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो रही तो करेक्ट आंसर होगा ए नेक्स्ट बाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इट इज जर्नली मेंट जर्नली हम लोग किसकी बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी की ये भी हमने अपने कॉन्सेप्ट क्लास में बताया हुआ है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे अपने डिटेल डिस्कशन क्लास भी डाली हुई है नेचर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर टोबैको एंड शेयर प्राइजेस अब चाहे टोबैको की बात करें चाहे शेयर प्राइस की जो नेचर है वो हमेशा क्या होगा सेम होगा नेक्स्ट आइसोक्वेंट इज अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन नो डाउट ये करेक्ट है क्योंकि आइसोक्वेंट क्या है प्रोडक्शन फंक्शन ही तो है वैन एवरेज प्रोडक्ट राइजेज जैसे ही एवरेज प्रोडक्ट बढ़ेगा हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो भी बढ़ेगा बट एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा बढ़ेगा तो करेक्ट आंसर होगा डी राइजेज बट मोर देन एवरेज प्रोडक्ट हमने बताया भी था कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं बहुत जल्दी हम उन पर डिटेल सेशंस डालेंगे सबके रिलेशन डालेंगे एंड सबके ग्राफ पर भी डिस्कशन करेंगे शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व क्या ये सेम होता है नहीं क्या ये अपोजिट होता है नहीं क्या ये इंटरसेकट करता है इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है तो करेक्ट आंसर होगा डी वेरिएबल कॉस्ट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं शॉर्ट रन में क्यों, क्योंकि लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते तो करेक्ट आंसर होगा ए शॉर्ट रन उसमें फिक्स्ड एंड वेरिएबल होता है प्राइज इज गिवन फॉर अ फर्म इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट क्योंकि वो प्राइस टेकर होते हैं ना कि प्राइस मेकर मार्केट्स फॉर टूथपेस्ट एंड टॉयलेट सोप ये किसका एग्जाम्पल है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का नेक्स्ट लेबर मार्केट इज कंसिडर्ड टू बी एन एग्जाम्पल ऑफ ये हमने पहले भी बताया था कि मोनुप सोनी मार्केट का एग्जाम्पल है तो करेक्ट आंसर होगा बी नेक्स्ट रेंट इज रिगार्डेड एज अ पेमेंट फॉर द यूज ऑफ रेंट आप किसके लिए देते हो लैंड के लिए जो कि इन तीनों ही ऑप्शन में नहीं दिया तो करेक्ट आंसर होगा डी नन ऑफ द पफ नेक्स्ट जी डी पी कैन बी मेजर्ड बाय एडिंग अ कंट्रीज प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर इनकम सबको ऐड करते हैं तो करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द पफ वैल्यू ऑफ मार्शनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दैट इज एम इसकी वैल्यू हमेशा जीरो टू वन लाइक करती है दैट इज करेक्ट आंसर होगा लाइज बिटवीन जीरो एंड वन नेक्स्ट फॉर एन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट फंक्शन इन्वेस्टमेंट किसपे डिपेंड करता है डायरेक्टली विथ इनकम इन्वर्सली विथ इनकम डायरेक्टली विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बेसिकली यहाँ इन्वेस्टमेंट किस पर डिपेंड करती है सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन द कंट्री पे तो करेक्ट आंसर होगा डी नन ऑफ द ये हमारे ओवरऑल फिफ्टी एम से रिलेटेड टू एम कॉम एंट्रेंस एग्जाम जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट है सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना एंड जिन क्वेश्चन के हमने आंसर्स बोले टेलीग्राम से डाउनलोड करने वो टेलीग्राम से डाउनलोड जरूर कर लेना अगर स्टिल कोई डाउट रह जाएगा तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हो एंड एक क्वेश्चन जो हमने होल्ड कराया उसका आंसर आप लोग ज़रूर करना उसको हम प्रैक्टिस सेट फोर में डिस्कस करेंगे सब अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना और जिसका आंसर करेक्ट होगा उसका आंसर हम पिन भी जरूर करेंगे उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा अगर आज का वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में आज के लिए बस इतना थैंक यू सो मच